वैल्यू चेन एस्टैब्लिश करने के लिए हमने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को स्थापना करने का घोषणा किया है। हमारे संकल्प पत्र में हमने ये भी कहा है कि तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ रुपया खर्च कर टर्मरिक की मेडिसिनल वैल्यू को रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाएगी, जिससे टर्मरिक का पूरे दुनिया में उपयोग में बढ़ावा हो सके। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। माड़ीगा समाज को जो वर्षों से अन्याय हो रहा है, तो हमने तय किया है कि SC रिजर्वेशन में माड़ीगा समाज को हम वर्टिकल कोटा देकर उनको प्रोरेटा सीटें मिले, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि KCR ने भले वादा खिलाफी की कि दलित मुख्यमंत्री बनाने का वादा 2014 में किया था, खुद ही बन गए, अब बेटे को बनाना चाहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये वादा हमने तेलंगाना की जनता को किया है और इतनी बड़ी संख्या में जो बैकवर्ड क्लास है उनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से तेलंगाना की जनता को, तेलंगाना के सभी सुज्ञ मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, वो TRS में शामिल हो गए। आपने TRS को मौका दिया, करप्शन के अलावे कुछ नहीं किया, बदहाली के अलावे कुछ नहीं किया, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन बना सरकार बनाकर तेलंगाना की रचना के लिए जिन युवाओं ने अपना बलिदान दिया है उनके स्वप्नों को पूरा करने का काम करेंगे। ये अपील मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तेलंगाना की जनता से करना चाहता हूं। धन्यवाद। बताओ माइक के बगैर बताओ।